नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह, एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर आईपीटी एक्सेल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और मेरे पास एक व्यूअर है यूएई से, मुझसे एक क्वेश्चन पूछे हैं। उनका नाम मिरफत है, उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा है, तो उसी क्वेश्चन की सॉल्यूशंस के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उनका क्वेश्चन यही है कि उनको एक पे आउट निकालना है। जी हाँ, पे आउट निकालना है। तो पे आउट का कुछ इस तरह से है रूल कि यहाँ पे उनकी जो मंथली सैलरी है, सैलरी 700 का है, $700 का है। और मैं यहाँ पे मंथ डालता हूँ, किस मंथ का सैलरी है। तो मंथ का फर्स्ट डेट से मान लीजिए कि अक्टूबर का सैलरी है, तो यहाँ हम अक्टूबर की सैलरी के लिए अक्टूबर का फर्स्ट डेट डालते हैं। और यहां पे मैं डेली पे आउट निकालता हूं, तो डेली पे आउट होगा हमारा, हमें डे के अंदर में ईओ मंथ लगाना होगा, ईओ मंथ, ताकि मुझे इस महीने की लास्ट डेट देखे, क्योंकि हर महीने की लास्ट डेट अलग अलग होती है, इसलिए ईओ मंथ लगाते हैं। तो ये हमारा इस महीने की 31, तो 31 को हम डिवाइड करते हैं 700 से, तो मुझे पर डे का रूल, इसे जनरल फॉर्मेट करता हूँ, तो पर डे 22 मिलता है। और इसकी शिफ्ट 8 आवर की है, तो यहाँ पे मुझे मिनट का निकालना है कि पर मिनट कितना सेल हुआ, सैलरी देते हैं, क्योंकि उनको मिनट के हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो इसको हम डिवाइड बाय 8 करेंगे। 8 के जगह पे हम यहाँ पे 8 डिवाइड बाय 20 भी कर देता हूँ, 60। नहीं, डिवाइड बाय 8 जो रिजल्ट आएगा उसको डिवाइड बाय 60 कर दूंगा, तो 0.47003 पर मिनट का कॉस्ट आता है। तो किसी ने अगर एक में ये मतलब किसी ने 1 घंटा और 20-30 मिनट किया है, तो सबसे पहले हम टेक्स्ट फॉर्मूला की मदद से इसको कन्वर्ट करते हैं मिनट, बड़ी वाई के में हम एम लिख देते हैं, तो मिनट में, सॉरी इन्वर्टर को मैं छूट गया, स्टार्टिंग। हम इसको 90 मिनट का पे आउट निकालते हैं। 90 मिनट का पे आउट कितना है? 90 मिनट का पे आउट हमारा 5.65 है। तो एक बार मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ डिवाइड बाय 8 से, और इसमें मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 1.5 से, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 1.5 नहीं करना है, ये आपका और आवर का चार्ज है। आवर का चार्ज है। अब मैं इसको 60 से डिवाइड करूंगा, ये आ रिजल्ट गुड। टाइम है, उस टाइम को अगर मैं 24 से भी मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये नहीं, ये सॉरी इक्वल सॉरी मैं ऐसे ही कर रहा था। तो हमें पर मिनट हमारा मिल गया कि पर मिनट का चार्ज ये है। अब यहां पे ये हो गया हमारा रिपोर्टिंग टाइम,
इम्पोर्टिंग टाइम और ए हो गया हमारा लीव टाइम। ये कैलकुलेशन आप एक जगह पे बना लेंगे और ये हमारा रिपोर्टिंग टाइम एंड लीव टाइम हो गए। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर रिपोर्टिंग टाइम और लीव टाइम सेम डेट की डेज की है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप टाइम भी डाल सकते हो, लेकिन अनोदर डे की, जैसे कि मान लीजिए कि मैं सुबह 5 बजे जाता हूँ, दो शाम को 5 बजे जाता हूँ और रात के 3 बजे जाता हूँ, तो जो रात का 3 हुआ और नेक्स्ट डे का रात हो गया, तो आप डेट एंड टाइम इकट्ठा लिखें। कैसे? जैसे कि मान लीजिए आज की बात करूं मैं, तो 20 10 हो गया 14 बजे, दोपहर के 2 बजे, और फिर 21 10 को 3 बजे वापस आया। तो यहां पे वर्किंग टाइम निकालना है हमको, वर्किंग टाइम। तो वर्किंग टाइम यहां पे हम निकाल लेंगे कि लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट, और ये वर्किंग टाइम हुआ, तो आप यहां पे वर्किंग मिनट भी कर सकते हो, वर्किंग मिनट। तो वर्किंग मिनट के लिए इस जो मैंने माइनस किया है इसको आप टेक्स्ट में, टेक्स्ट फॉर्मूले में रखें, जैसे कि मैंने यहां पे किया था अभी थोड़ा देर पहले, टेक्स्ट फॉर्मूले में रख दें और बड़ी ब्रैकेट में आपको यहां पे एम आ जाएगा, एंटर प्रेस कीजिए। तो 780 मिनट हुआ और यहां पे आपका पे कितना होगा, तो पे होगा 780 मिनट मल्टीप्लाई बाई 47043, तो 36 रुपए का पे आउट मिलेगा। आप बोलेंगे सर अगर मैं लेट, अगर किसी ने ज्वाइन किया तो हो गया, लेकिन आपकी मैंने देखा था कि लेट था, तो जैसे कि आपने डेट यहाँ डाल दिया कि भाई इस डेट को प्रेजेंट था, लेकिन आपने यहाँ पे बोला कि भाई ये 1 घंटा लेट आया है, लेट हुआ, तो जैसे मान लीजिए किसी ने 1 घंटा 20 मिनट लेट आया है, तो आवर यहाँ पे वर्किंग आवर के लिए आप क्या करेंगे कि टाइम फॉर्मेट में जाएंगे और 8 × 0 8 घंटे का शिफ्ट होते हैं, इसमें से माइनस आपका लेट, 1 घंटा 20 मिनट लेट है तो आप यहाँ पे दे दीजिए, ये आपका वर्किंग आवर निकल जाएगा, और फिर इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दें और टेक्स्ट में कन्वर्ट, टेक्स्ट फॉर्मूले में डाल के और इसको इन्वर्टेड कॉमा में बड़ी ब्रैकेट में एम डाल दें, तो आपको लेट के हिसाब से मिल जाएगा। तो अगर आप, आपके पास कोई रिपोर्टिंग टाइम एंड लीव टाइम है तो उसकी आप माइनस करके कैलकुलेट कर लोगे, नहीं आपके पास जस्ट लेट है कि हाँ इतना घंटे लेट आया है, इतना मिनट लेट आया है, तो आप फिर 8 घंटे में से लेट टाइम को घटा दोगे, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैलकुलेशन क्या करेगी। तो ये टाइम की कैलकुलेशन रही, और मिस्टर मिल्फत जी हैं जो यूई से हैं, उन्होंने मुझसे पूछा था फोन करके, व्हाट्सएप करके, आप लोग भी अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मुझे फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूंगा कि सर एक एक प्रॉब्लम पूछने के बजाय आप मेरी पूरी की पूरी कोर्स को ज्वाइन कर लें। हम लोग ऑनलाइन जूम ऐप के थ्रू क्लासेस देते हैं जो कि आप अपने घर पे ले सकते हैं, लाइव इंटरेक्टिव वन टू वन, अपने सिस्टम से, अपने पीसी से, अपने मोबाइल फोन से, अपने टैबलेट से, और आप अगर ग्रुप क्लास ना चाहे तो ग्रुप क्लास मिल सकता है, अगर इंडिविजुअली क्लासेस चाहिए तो इंडिविजुअली क्लासेस मिल सकता है, वीकेंड चाहिए तो वीकेंड मिल जाएगा, वीकडे चाहिए तो वीकडे मिल जाएगा, अल्टरनेट डेज भी चाहिए तो आपको अल्टरनेट डेज भी मिल जाएगा। तो फोन कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, स्काइप कीजिए और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझसे लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।